मध्य प्रदेश में अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर सियासत जारी है। अब डिंडोरी जिले के नए एसपी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव से एक मांग कर दी है। सिंघार ने सीएम को टैग करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, नवनियुक्त डिंडोरी पुलिस अधीक्षक मेरे रिश्तेदार हैं। शायद ये जानकारी आपको भी नहीं होगी, लेकिन मीडिया में आई खबरों से लग रहा है कि हाल ही में हुए स्थानांतरण आदेश का कुछ गलत अर्थ निकाला जा रहा है। कौन अधिकारी कहां पदस्थ हो ये आपका विवेकाधीन अधिकार है, परंतु मेरा निवेदन है कि ये आदेश निरस्त कर उन्हें पुलिस मुख्यालय लूप लाइन में ही रखा जाए, ताकि प्रदेश की जनता के सामने भ्रम की स्थिति ना रहे एवं एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की छवि भी खराब ना हो। साथ ही मीडिया को भी एहसास रहे कि इस तरह की भ्रमित करने वाली टेबल या मैनेज न्यूज ना बनाई जाए। आपको बता दें कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने डिंडोरी का पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल को बनाया है। इसके साथ ही अखिल पटेल रिश्ते में उमंग सिंघार के बहनोई भी लगते हैं। इसको लेकर मीडिया में आई खबरों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर ये प्रतिक्रिया दी है, जिसमें से एक खबर की फोटो भी उन्होंने अपने पोस्ट के साथ साझा की, जिसमें लिखा गया था कि सरकार की कलेक्टरों पर तबादले की कार्रवाई पर उमंग सिंघार ने तारीफ की और उसके बाद उनके रिश्तेदार को डिंडोरी एसपी बनाए जाने के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सिंघार इस तरह की खबरों को लेकर नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट की। अब देखना होगा कि सिंघार की इस मांग को मोहन यादव सरकार पूरा करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।